गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर एनाफेजियो क्लास इन विच टुडे वी विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ थॉट. इन आर प्रीवियस क्लास वी स्टार्ट द टॉपिक थॉट. नाउ द रिमेनिंग पार्ट कंटेन्स द लैरिंजियल मसल्स. एक्चुअली द लैरिंजियल मसल्स ऑफ थॉट परफॉर्म टू डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस. Actually, these muscles are extrinsic and intrinsic type. Extrinsic type की वो laryngeal muscles होती है जो कि glottis में खुलती और बंद होती है, जबकि intrinsic type की muscles जो हैं वो vocal cord के tension की degree को regulate करने का काम करती है. हम throat के अंदर laryngeal muscles पढ़ रहे हैं. laryngeal muscles के दो अलग अलग function होते हैं. पहला कि ये मसल्स इंट्रेंसिक और एक्सटेंसिक टाइप की होती है. एक्सटेंसिक टाइप की लैरेंजियल मसल्स ग्लॉटिस में खुलती हैं, जबकि इंट्रेंसिक टाइप की मसल्स का काम है कि वो वोकल कॉर्ड के टेंशन के डिग्री को रेगुलेट करती है. कितनी डिग्री उसके टेंशन में जनरेट होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, वो सारा रेगुलेट कौन कर रही है? लैरेंजियल मसल्स की इंट्रेंसिक टाइप. दूसरा, इट शुड बी नोटेड दैट द स्पोकन वॉइस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्फिंक्टर एक्शन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, टंग एंड लिप्स. आपके लिप्स पर, आपके टंग पर और आपके सॉफ्ट पैलेट पे जो स्फिंक्टर एक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है आपकी जो वॉइस है, आप जो बोल रहे हो उसकी वॉइस कितनी लाउड होगी. ये डिपेंड करता है आपके टंग पे, टंग के मूवमेंट पे, ऑब्वियस है आपके लिप्स पे. कई लोग आप देखा करो मुंह बंद करके बोलते हैं. मुंह बंद करने मतलब वो बहुत थोड़ा सा मुंह खोलते हैं और बोल रहे होते हैं तो उनकी आवाज़ अलग तरीके से आ रही होती है, साफ वर्ड सुनाई देते हैं. कुछ एकदम आराम से खुल के बोल रहे होते हैं. कईयों की टंग जो है बोलते समय थोड़ी बहुत मुड़ती है, फोल्ड होती है, जिससे उनके वर्ड जो तुतला करके निकल रहे होते हैं. तो इन सब चीज़ों पर आपकी स्पोकन वॉइस जो है वो डिपेंड कर रही होती है. इसके अलावा लैरिंग्स का जो मसल एक्शन है वो ग्लॉटिस को परमिट करता है रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा वॉल्यूंट्रली खुल रहा है या इनवॉल्यूंट्री खुल रहा है, मतलब बंद हो रहा है. वॉल्यूंट्री आपकी इच्छा से ग्लॉटिस बंद हो गया, इनवॉल्यूंट्री बिना इच्छा के बंद हो सकती है ग्लॉटिस. इसको कौन अलाउड करता है ग्लॉटिस के ये मूवमेंट को? आपके लैरिंग्स की मसल एक्शन ये परमिशन उसको देती है. इनवॉल्यूंट्री बंद होता है तो वो रिफ्लेक्स एक्शन से होता है, वॉल्यूंट्री तो जो आप अपनी इच्छा से चाह रहे होते हो. द क्लोजर ऑफ द इनलेट बाय दिस मैकेनिज्म प्रोटेक्ट्स द रेस्पिरेटरी पैसेज. और यही इसी मैकेनिज्म के दौरान ये जो क्लोज हो रहा है इसको ये क्या कर रहा होता है, ये क्लोजर क्यों हो रहा है? ताकि आपके रेस्पिरेटरी पैसेज को प्रोटेक्शन मिल सके. ग्लॉटिस का ये क्लोजर और वोकल कॉर्ड का एक्शन आर प्रिसाइजली कोऑर्डिनेटेड टू प्रोड्यूस स्पोकन वॉइस. ग्लॉटिस का ये क्लोजर और वोकल कॉर्ड का एक्शन जो है वो एक साथ कोऑर्डिनेट होकर के स्पोकन वॉइस आपकी प्रोड्यूस करता है. मतलब ग्लॉटिस का क्लोज होना और वोकल कॉर्ड का ये जो एक्शन है, इन्हीं दोनों से मिलकर के आपके वोकल कॉर्ड का कौन सा एक्शन, कि डिग्री ऑफ टेंशन उसमें कितनी जनरेट होएगी ऊपर जो फर्स्ट पॉइंट में हमने बोला है, यही आपकी स्पोकन वॉइस को प्रोड्यूस करता है. अब वेगस नर्व सप्लाई कर रही है आपकी इंट्रिंसिक मसल को उसकी दो ब्रांचेस. वेगस नर्व की दो ब्रांचेस आपकी इंट्रिंसिक मसल को सप्लाई करती है. पहली रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और दूसरी सेंसरी नर्व. रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो कि वेगस नर्व की ब्रांच है, ये एक इम्पॉर्टेंट मोटर नर्व होती है जो आपके लैरिंग्स की इंट्रिंसिक मसल को सप्लाई करती है. दूसरी आपकी सेंसरी नर्व जो कि सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की ब्रांच है, ये लैरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन को सप्लाई करती है. ये अपन लैरिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं. लैरिंग्स वाले बारे में हमने पहला तो इसकी मसल पढ़ी, लैरिंजियल मसल, जिसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक टाइप की थी. दूसरी हमने नर्व पढ़ी, वेगस नर्व जो इसको सप्लाई कर रही है. और तीसरा हम कह रहे हैं कि जो ये दोनों रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डिवाइड होती हैं या पैरालाइज्ड होती है तो ग्लॉटिस जो है वो बंद रहता है इतना टाइटली कि एयर जो है वो कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू द लंग्स, लंग्स में जा नहीं पाती है. ये एक लाइफ सेविंग मेजर है. एंडोट्रेकियल या आप इसको ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब अगर ऐसे इस मतलब क्योंकि ये बंद हो गई, आपके लंग्स में हवा नहीं जा रही है
तो इसमें हमें अब क्या करना पड़ेगा, ऐसे में पर्सन की तो क्रिटिकल कंडीशन अराइज हो जाएगी, तो लाइफ सेविंग मेजर के रूप में हमारे को ये तो एंडोट्रेकियल या फिर हमें ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जो है वहाँ पे लगानी पड़ेगी ताकि पर्सन को सांस वगैरह आ सके। ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ती है ऐसे में इमिडिएटली, अगर हमें उससे राहत चाहते हैं तो हमें ऐसा इमिडिएटली करना पड़ेगा, ये एक्शन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, लैरिंग्स जो होती है डिराइव्स इट्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड एंड सबक्लेवियन आर्टरीज। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज और सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांचेज से लैरिंग्स को ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड इसमें इन आर्टरी से पहुंच रहा होता है, तो ये आपकी लैरिंजियल मसल्स ख़त्म। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आगे का थ्रॉट में नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया आप जानते हैं ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसकी 15 सेंटीमीटर लंबाई है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है। गर्दन से शुरू होता हुआ ये लैरिंग्स के लोअर पार्ट, मतलब लैरिंग से गर्दन में लैरिंग्स के लोअर पार्ट से शुरू होता हुआ ये स्किन सर्वाइकल वर्टिब्री तक जा रहा है और फिफ्थ थोरेस के वर्टिब्री के अपर बॉर्डर तक एक्चुअली जाएगा। सर्वाइकल वर्टिब्री के साथ में ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री के अपर बॉर्डर तक जाता है। ये आगे डिसेंड होती हुई ट्यूब डिसेंड होती है ईसोफेगस के फ्रंट में और सुपीरियर मीडिया स्टीनम में एंटर होती है और डिवाइड होती है राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकाई के अंदर। ट्रेकिया बनी हुई होती है सीरीज ऑफ इनकम्प्लीट रिंग की, और ये इनकम्प्लीट रिंग किसकी बनी है, हाइलाइन कार्टिलेज की। हाइलाइन कार्टिलेज की आधी अधूरी सी रिंग जो है इस ट्रेकिया में उनकी सीरीज पाई जाती है। द कैरिना इज अ रिज ऑन द इनसाइड एट द बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया जहाँ पे बाइफर्केट होगी वहाँ पर कैरिना की रिज पाई जाती है, रिज और ग्रूव, रिज उठा हुआ सा पार्ट है, तो कैरिना की रिज पाई जाती है जहाँ पे ट्रेकिया बाइफर्केट हो रही है। ये एक लैंडमार्क है ब्रोंकोस्कोपी का और ये सेपरेट करता है, सेपरेट्स द अपर एंड ऑफ द राइट मेन ब्रांचेस फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द लेफ्ट मेन ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकाई। भाई लेफ्ट मेन ब्रांच और राइट मेन ब्रांच जो ब्रोंकाई की है उसके सेपरेट करने का पार्ट ये है, कौन सा, ये करीना जो हम बोल रहे हैं, सीएआरआई कैरिना। अब ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये फिर गिवन ऑफ फ्रॉम द आर्क ऑफ द एओर्टा, एओर्टा के आर्क से निकल रही हैं जिसको ब्रेंकियोसिफेलिक पार्ट कह रहे हैं। इनोमिनेट है ये, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज में जा रही हैं और क्लोज लेशन है इसका ट्रेकिया के साथ में। अब ट्रेकिया का सर्वाइकल पोर्शन जो एंटीरियरली तो स्टर्नो हायोइड से जुड़ा हुआ है और स्टर्नो थायरॉयड से जुड़ा हुआ है, स्टर्नो थायरॉयड मसल से, और कहाँ तक, थायरॉयड ग्लैंड के इस्थमस तक ये जा रहा है। यहाँ पर ये आपका ट्रेकिया ख़त्म। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड देखिए भाई आप, आपके थ्रॉट पार्ट की सलाइवरी ग्लैंड में आप जानते हैं 3 पेट की ग्लैंड इसमें पाई जाती है, सबलिंगुअल, सब मैगजिलरी और पैरोटिड ग्लैंड। सबलिंगुअल, सब मैगजिलरी, पैरोटिड, ये माउथ के साथ कम्युनिकेट करती है और अपने सीक्रीशन को माउथ की कैविटी में डालती है जिसको आप सलाइवा कहते हैं। इसमें इन ग्लैंड्स का जो कंबाइंड सीक्रेशन है उसको अपन सलाइवा कह देते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो टिश्यू से बनी होती है, फाउंड इन द म्यूकोस ऑफ द चीक। जो ये टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं, आपके चीक के, आपके टंग के, पैलेट के, माउथ के, फ्लोर के, फेरिंग्स के, लिप के और पैरानिजल साइनसेस के म्यूकोसा में पाई जाती हैं, उनसे ये सलाइवरी ग्लैंड बनी होती है। सलाइवरी ग्लैंड का ट्यूमर भी जो है वो ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में अकर इन एनी ऑफ दी स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर्स अपन बोल रहे हैं उनके किसी भी स्ट्रक्चर में सलाइवरी ग्लैंड का ट्यूमर भी देखा जा सकता है। अब जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो इस सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई करती है और इसको टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड करती है। कौन सी इसकी टर्मिनल ब्रांचेस, इंटरनल मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल। इंटरनल मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल ब्रांचेस में इसको डिवाइड करती है। सुपरफिशियल टेम्पोरल इंटरनल मैक्सिलरी वेन्स जो होती है वो जुड़ करके पोस्टीरियर फेशियल वेन बनाएंगी। ये एनाटॉमी है पूरी, याद कर लीजिए सलाइवरी ग्लैंड की, केस में
सप्लाई, कैरोटिड आर्टरी सप्लाई है सलाइवरी ग्लैंड्स में, जो कि इसको टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड कर रही है। इंटरनल मैक्सिलरी सुपरफिशियल टेम्पोरल, ये जुड़ करके मैक्सिलरी वेन बनाती है, जो जुड़ करके सुपीरियर पोस्टर फेशियल वेन बना रही होती हैं। अब सब लिंगुअल ग्लैंड जो होती है वो टंग के नीचे पाई जा रही होती है, टंग के म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे, माउथ के जो फ्लोर के म्यूकस मेम्ब्रेन उसके नीचे, टंग के नीचे माउथ का फ्लोर है, माउथ के फ्लोर में म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके नीचे एट द साइड ऑफ द फर्न्यूलम लैंगी इन कम्युनिकेशन विद द सब लिंगुअल डिप्रेशन ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मैंडिबल। मैंडिबल के इनर सरफेस पर सब लिंगुअल का एक डिप्रेशन पाया जाता है, उसके अंदर ये सब लिंगुअल ग्लैंड पाई जाती है। ब्लड सब मेंटल आर्टरी से ब्लड इसको सप्लाई करता है आता हुआ, और सिंपैथेटिक नर्व्स से निकलने वाली नर्व इसमें जा रही है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी डक्ट्स पाई जाती है हर एक ग्लैंड के अंदर, जो कि सेपरेटली ओरल कैविटी में सब लिंगुअल फोल्ड पर ओरल कैविटी में जाती हैं ये डक्ट्स और सीक्रीशन करती है। तो ये तो थी आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड। दूसरी है सब मैंडिबुलर ग्लैंड लाइज पार्टली अबव एंड पार्टली बिलो द पोस्टर हाफ ऑफ द बेस ऑफ द मैंडिबल। मैंडिबल के बेस के पीछे वाले हाफ के आधी ऊपर और आधी नीचे सब मैंडिबुलर ग्लैंड पाई जाती है। कहाँ पर? माइलो हायोइड और हायोग्लोसस मसल्स पर होती है ये स्ट्रक्चर, माइलो हायोइड और हायोग्लोसस मसल्स पर। ये ग्लैंड क्लोजली लिंगुअल वेन से जुड़ी हुई होती है, और लिंगुअल और सब हाइपोग्लोसल नर्व्स इसमें सप्लाई कर रही हैं, मतलब यहाँ इसको इससे जुड़ी हुई हैं। एक्सटर्नल मैक्सिलरी आर्टरी जो है वो ग्लैंड के पोस्टर बॉर्डर के ऊपर पाई जाती है। इसकी डक्ट अपन वाटन्स डक्ट कहते हैं, जो कि माउथ में टंग के फर्न्यूलम पर माउथ में एंटर होती हुई इसकी डक्ट रहती हैं। तीसरी सलाइवरी ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, जो कि मैस्टॉइड प्रोसेस के फ्रंट में जाइगोमोटिक आर्क के नीचे और मैंडिबल के रैमस के पीछे पाई जाती है। कहाँ पर है ये? मैस्टॉइड प्रोसेस के फ्रंट में जाइगोमोटिक आर्क के नीचे और मैंडिबल के रैमस के पीछे। ये ग्लैंड एक फेशिया में एनक्लोज होती है, और इसके सराउंडिंग मसल से ये अटैच रहती है, और दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, सुपरफिशियल और डीप पोर्शन फेशियल नर्व के द्वारा ये सुपरफिशियल और डीप पोर्शन में डिवाइड होती है। अब पैरोटिड डक्ट, जिसको स्टेंसन्स डक्ट कहते हैं, इसकी पैरोटिड ग्लैंड की पैरोटिड डक्ट, और सबमैंडिबुलर ग्लैंड की कौन सी डक्ट है? ये वॉटन्स डक्ट है। तो ये नाम आप याद रखें, वॉटन्स डक्ट सबमैंडिबुलर की है और पैरोटिड डक्ट पैरोटिड ग्लैंड की है, जिसको अपन स्टेंसन्स डक्ट कहते हैं। ये पियर्स करती है, पियर्सेस द बकल पैड ऑफ द फैट एंड ब्यूसिनेटर मसल, ब्यूसिनेटर मसल्स और बकल पैड के को ये पियर्स करती है। फाइनली ये ओरल कैविटी में ओपन हो जाती है अपर सेकंड मोलर टीथ के क्राउन के जस्ट अपोजिट। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड कि स्मॉल ब्रांचेस जो है वो पैरोटिड ग्लैंड से अराइज होती है, मैंडिबल की नेक के पीछे से आती हुई स्ट्रक्चर है। मैंडिबल की नेक के पीछे से आती हुई पैरोटिड ग्लैंड में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस, स्मॉल ब्रांचेस आती हैं, जो कि सुपरफिशियल टेम्पररी आर्टरी के साथ में आ रही हैं। अब यहाँ पर यह आपकी थ्रॉट की स्ट्रक्चर मैं ट्रेके वाला पार्ट ख़त्म और स्लाइवरी ग्लैंड वाला पार्ट ख़त्म। अब नेक देख लीजिए, क्योंकि नेक से होता हुआ जा रहा था ये ट्रेकिया वाला पार्ट, तो नेक की जनरल स्ट्रक्चर क्या है? अगर आप जनरल टोपोग्राफी करेंगे इस ऑर्गन की, तो ये पेरीवर्टिबल फेशियल के फ्रंट में दिखाई दे रही है होती है। ये एक लेयर है डीप सर्वाइकल फेशिया की, जो कि नेक को सराउंड किए हुए रहती है कॉलर की तरह, और ट्रैपीजियस से जुड़ी हुई रहती है, ट्रैपीजियस एंड स्टर्नोक्लाइडोमैस्टॉइडस मसल के साथ में ये जुड़ी हुई रहती है। इसको अपन स्टर्नोक्लाइडोमैस्टॉइड भी कहते हैं। नेक के फ्रंट में डीप फेशियल लेयर पाई जाती है, जो कि मैंडिबल की लोअर बॉर्डर से अटैच रहता है। अब प्री
ट्रेकियल फेशिया नेक की जो प्री ट्रेकियल फेशिया है वो स्टेप मसल्स के डीप में रहती है। स्टेप मसल्स कहाँ पर है भाई? स्टर्नो थायरॉयड, स्टर्नो हायड और ओमोहायड, ये स्टेप मसल्स हैं। इसके डीप में प्री ट्रेकियल फेशिया रहती है नेक की। ये पार्शली थायरॉयड ग्लैंड, ट्रेकिया और लैरिंग्स को एनक्लोज करती है। पार्शली एनक्लोजेस द थायरॉयड ग्लैंड, ट्रेकिया एंड लैरिंग्स। प्री ट्रेकिया ट्रेकियल फेशिया जो है वो थायरॉयड वेसल को पियस्ट करती है। कैरोटिड शीथ के फ्रंट में ये स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड की डीप सरफेस के ऊपर जो कैरोटिड शीथ है उसके फ्रंट में ये फ्यूज होती है। कैरोटिड शीथ एरियोलर टिश्यू के नेटवर्क से बना होता है जिसके चारों तरफ कैरोटिड आर्टरीज और वेगस नर्व को घेरा हुआ रहता है। एरियोलर टिश्यू का नेटवर्क कैरोटिड आर्टरीज और वेगस नर्व को चारों तरफ से घेरा हुआ रहता है, उससे बनी होती है ये कैरोटिड शीथ। लेटरली ये जो कैरोटिड शीथ है वो फ्यूज होती है स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड की डीप सरफेस की फेशिया के साथ में, और एंटीरियरली ये फ्यूज होती है मिडल सर्वाइकल फेशिया के साथ में, लेटरल बॉर्डर के साथ। लेटरल बॉर्डर किसका है? ये स्टर्नोथायरॉयडस मसल का ये लेटरल बॉर्डर है। ये थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से स्ट्रक्चर है, पर अब क्या करें, जैसी भी कॉम्प्लिकेटेड है आपको ऐसी ही इसको पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ी है मुश्किल, मैं खुद समझ सकती हूँ। नेजल पार्ट और आपका ये थ्रॉट का पार्ट है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है, इसकी एनाटॉमी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिल रही होती है, जो थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ेगा आपको याद करने के लिए। पर हमें पढ़ना तो है, याद तो करना ही है, टॉपिक हमें कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। अब देखिए मसल का जो ट्रायंगल फॉर्मेशन है उसके फ्लोर और रूफ के बीच में ये पाई जा रही होती है। लिम्फ ग्लैंड्स एंड द एसेसरी नर्व्स लाइंग बिटवीन द फ्लोर एंड द रूफ ऑफ दिस ट्रायंगुलर फॉर्मेशन ऑफ मसल्स आर द लिम्फ ग्लैंड्स एंड एसेसरी नर्व। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो हमने लेटरल बोला ना, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कैसे बोली कि ये एंटीरियर प्री ट्रेकियल फेशिया की बात कर रहे थे अपन, यहाँ जनरल टोपोग्राफी में अपन ने देखा, तो ये ऐसी तीन स्ट्रक्चर बना करके ट्रायंगुलर लेयर बना रही होती है जिसमें लिम्फ ग्लैंड्स और एसेसरी नर्व पाई जाती हैं, और आर्टरीज और नर्व जो है वो ट्रैवर्स और पियर्स करती है इस ट्रायंगल को। अब नेक का लिम्फैटिक सिस्टम देखिए। नेक की जो लिम्फ ग्लैंड्स है वो क्लोजली जुड़ी हुई होती है सलाइवरी ग्लैंड और लिम्फ ब्लैक्सेस से। सब मैक्सिलरी नोड्स जो है वो सब मैक्सिलरी ट्रायंगल में लोकेटेड रहती है। चीक को ड्रेन करती है, चीक को, नोज के साइड को, अपर लिप को, लोअर लिप के साइड को, गम्स को, टंग के साइड को और मीडियल पैल्पेबल कमीशर के साइड को, सब मैक्सिलरी नोड्स जो कि सब मैक्सिलरी ट्रायंगल है, ट्रायंगल में पाई जाती है, उसको ये ड्रेन करते हैं। मतलब इन सारी चीज़ों के सीक्रीशन इसके अंदर ड्रेन हो रहे हैं, इसके अंदर बह करके जा रहे हैं। फेशियल और सब मेंटल नोड्स से लिम्फ जो निकलती है वो भी इस ग्लैंड में ड्रेन होती है, इस ग्लैंड को ड्रेन करती है। सुपरफिशियल सर्वाइकल नोड्स जो है वो एक्सटर्नल जगलर वेन को फॉलो करती है और ईयर को ड्रेन कर रही है। पैराटिड जो सुपीरियर डीप सर्वाइकल नोड्स है उसके उस तक जा रही है इसका पैराटिड एरिया। सर्वाइकल नोड जो है वो लैरिंग्स, थायरॉयड ग्लैंड, नेजल कैविटी, ईयर, नेजोफैरिंग्स, पैलेट, ईसोफेगस और स्किन और नेक की मसल्स के साथ में क्लोज कॉन्टैक्ट में रहता है। बस इसके साथ आपकी ये नेक की स्ट्रक्चर, उसके अंदर हमने ग्लैंड्स पढ़ी, उसका लिम्फ पढ़ा, उसके नोड्स पढ़े, यहाँ पर ये आपका थ्रॉट पूरा कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, वरना थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जिसको आपको थोड़ा रट्टा ही मारना पड़ेगा। काफ़ी मुश्किल से स्ट्रक्चर है, याद करने में मुश्किल है, समझने में मुश्किल है, इस बात को मैं समझ सकती हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा कोशिश करिए। और कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।